सच यह है कि तेज सियासत का एक्सीडेंटल बेग बना मचिया मैन की गले का घेग। तेजस्वी यादव बगैर तथ्यों की जानकारी के बजट सत्र के बारे में कह रहे थे कि 3-4 दिन होगा, हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे। बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष या यूं कहें अनुकंपा के आधार पे बने हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम लोग मानते हैं कि विधायिका में शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग अभी भी चरवाहा विद्यालय के दौर में ही जी रहे हैं। कार मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। जब से तेजस्वी यादव ने बजट सत्र चलने को लेकर कुछ टिप्पणियाँ की तो जदयू के कई प्रवक्ता जो हैं आग बबूले हो गए। तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष नेता हैं विधानसभा के, उन्होंने कहा कि बजट सत्र को चलने नहीं दिया देंगे। इसी पे पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बहुत ही सैराने अंदाज में क्या कुछ कहा, पहले आप सुने। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बगैर तथ्यों की जानकारी के आरोप लगाने का जो राजनीतिक कुसंस्कार है आपका, बजट सत्र के बारे में कह रहे थे कि 3-4 दिन होगा, हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, फैसला हुआ नहीं था, राजनीतिक अपच का रोग पकड़ लिया था। सच यह है कि तेज सियासत का एक्सीडेंटल बेग बना मचिया मैन की गले का घेग। 17 अवधि पर बड़बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ, सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। 4 दिन नहीं, 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा सत्र, तैयार रखिएगा आदतन तख्ती, सत्र की गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेउर और तिहाड़ जेल में पूछ लीजिएगा। तो आपने सुना कि जो नीरज कुमार ने जो तेजस्वी यादव है उन पे कुछ क्या कुछ कहा। यहीं नहीं रुके, जदयू के ही एक और प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पे तंज कसा। क्या कह रहे हैं आप वो भी सुने। बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष या यूं कहेंगे अनुकंपा के आधार पे बने हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अभी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि बजट सत्र छोटा चलेगा तो हम हंगामा करेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और अब जब बजट सत्र 19 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक चल रहा है तो इनकी बोलती बंद हो गई होगी। हम लोग मानते हैं कि विधायिका में शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले बेसिक विधायिका की तो समझ आपको होनी ही चाहिए थी ना। असल में दोष आपका नहीं है, आप लोग अभी भी चरवाहा विद्यालय के दौर में ही जी रहे हैं। आधुनिक बिहार का निर्माण ना आपको दिखता है, और दिखता भी है तो पचता नहीं है, इसीलिए इस तरह की बेबुनियादी बातें हमेशा आप करते आए हैं। तो आपने सुना बजट सत्र को लेकर के जो दोनों प्रवक्ता हैं, एक तो पूर्व मंत्री हैं और एक प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि बजट सत्र जो है पूरा पूरी जो है 1 महीने के करीब चलेगा, ये 19 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक चलेगा। अब देखना यह है कि बजट सत्र कैसा होता है, क्या होता है। जो अब जो कैबिनेट की जो बैठक हुई कल, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें जो कैबिनेट में मंजूरी मिला है कि 19 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक जो है बजट सत्र चलेगा। चलते हैं अब दूसरे खबरों की तरफ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।